अगली एग्जाम्पल हमारी सीरियल नंबर से ही है। तो हम इफ की फॉर्मूले को सीख रहे हैं और इफ के फॉर्मूले में हमने अभी तक तकरीबन 4 एग्जाम्पल लिए हैं। पांचवा एग्जाम्पल हम कर रहे हैं सीरियल नंबर की। इस बार मैं सीरियल नंबर ऐसा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जनरली मुझे मान लीजिए कि नेम के साथ और भी होगा, जैसे एड्रेस वेड्रेस और भी बहुत सारे रिकॉर्ड इसमें एंट्री करने होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ लिखना चाहता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए हमने 1 लिखा और यहाँ पे हमने नेम में पूजा लिख दिया। अब मैं यहाँ पे अगर मैं नेहा लिखूं, एंटर मारूं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए। ओके सर, तो यह सीरियल नंबर जैसे नाइन नाम टाइप करूं, जो नेम है हमारा और नेम को टाइप करूं, तो यहां पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आने चाहिए। सीरियल नंबर मैनुअल डालने की जरूरत ना हो, सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली ही आना चाहिए। दे रहे प्रॉब्लम समझ में आ गया? यस सर। यहां पे इफ लगाएंगे कि इफ सामने वाली वैल्यू जैसे B3 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 क्यों लगाया? क्योंकि एक्सेल का जो ब्लैंक सेल है, जो ब्लैंक सेल है एक्सेल के लिए 0 है, समझे? बाय डिफॉल्ट 0 होता है। तो हमने बोला ग्रेटर देन 0 मतलब कुछ भी आप टाइप करते हैं, नंबर, टेक्स्ट, कुछ भी टाइप करते हैं वो 0 से बड़ा होता है। तो ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाले जो जहां पे फॉर्मूला लग रहा है उसके ऊपर वाले वैल्यू में प्लस 1 कर दे, नहीं तो ब्लैंक रखे। मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं, जहां तक एंट्री कर सके वहां तक ड्रैग कर लीजिए। अब मैं यहां पे देता हूं, यहां पे लिखता हूं नीतू, नीतू आ गया, इंदर, इंदर आ गया, उदय, उदय आ गया। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर हमने एक रो को ब्लैंक छोड़ दिया और यहां पे डाल दिया, मान लीजिए यहां पे डाल दिया दीनू, तो यहां पे एरर आ जाएगा। तो एरर आने का वही पोजीशन जो कि हमें लास्ट एग्जांपल में बताया था कि अगर क्योंकि B8 जो है वो ब्लैंक है, इसलिए A7 माफ कीजिएगा, ये जो हमारा A7 है वो A7 ब्लैंक है, तो ब्लैंक में प्लस 1 नहीं हो सकता, इसलिए यहां पे एरर तो देगा ही देगा, समझे? तो मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे इस तरह का एरर नहीं चाहिए। अगर इस तरह का एरर हमें नहीं चाहिए तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए कुछ और एग्जांपल सोचना होगा। तो हमारे पास एक मैक्स का फॉर्मूला है, तो मैक्स के फॉर्मूले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 0 डला हुआ है और आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा ही, तो क्यों ना हम यहां से सीरियल नंबर लगाते समय ये करूं कि इफ अगर ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे मैक्स, और मैक्स में मैं पूरा कॉलन का रेंज नहीं लूंगा, मैक्स में मैं जहां फॉर्मूला लगा रहा हूं उसके ऊपर का ही। दादा मैंने आपके बैंक को मेल किया हुआ है, पर वो बैंक से बात करवा C1 से C1 नीचे ड्रैग करना है, तो पहले वाले C1 को फ्रीज कर देते हैं कि मैं जहां फॉर्मूला लगा रहे हैं उससे ऊपर तक का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें वो प्लस 1 करे, अदरवाइज ब्लैंक। मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि यहां पे C1 से C1 था, हमने पहले C1 को फ्रीज कर दिया हुआ है और दूसरा C1 यहां पर आ रहा है, तो दूसरे C1 में क्या हुआ? C2 हो गया, C3। मतलब जहां भी हम इसको ड्रैग करेंगे तो जहां फॉर्मूला लग रहा है उससे ऊपर की डेटा को ही शो करेगा, ठीक है? वीर सिंह जी आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, मैंने म्यूट कर दिया है, जब पूछना हुआ था म्यूट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल समझ में आ गया आप लोगों को?